स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। फाइनली जो है इंटर स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बहुत दिनों के बाद बहुत लोग काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे, तो वो जो है इंटर स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। कैसे चेक करना है, कहाँ से लिंक मिलेगा, और बहुत लोगों को जो ए वेटिंग बता रहा है तो किसी का पेंडिंग बता रहा होगा, तो किसी का क्लियर नहीं आता। अभी इस वीडियो में हम समझाएंगे कैसे चेक करना है और किसका क्या मतलब होता है। अगर आपके पास इसको चेक करने के लिए एप्लीकेशन आईडी नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या करना है, गूगल पर आना है, लिखना सरकारी इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम। लिखने के बाद जो है आपके पास जो है यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आ जाता है। नॉर्मली क्या करना है, ये जो आ जाएगा, हालांकि ये आने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे आपको रिजल्ट का सेक्शन मिलेगा देखने को, रिजल्ट का। यहाँ पे सबसे टॉप पे बिहार बोर्ड 12th स्कूटी रिजल्ट दे रखा है, जब इस पर क्लिक करिएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का। नीचे स्क्रॉल करना, हालांकि इसी का जो लिंक है हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जहाँ से आप जो रिजल्ट चेकआउट कर पाइएगा। यहाँ मैंने दो लिंक प्रोवाइड किया है, एक ये जिससे कि ये वाला खुलेगा और सेकेंड वाले से ये वाला खुलेगा, जिसमें तीन नंबर में दिया हुआ है लिंक। यहाँ पर लिंक थर्ड रिजल्ट आफ्टर स्कूटनी सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट, ठीक है। यहाँ आना है, आपके पास एप्लीकेशन आईडी होगा, जिस समय आपने अप्लाई किया होगा तो उस समय आपके पास एप्लीकेशन आईडी होगा ही होगा। नॉर्मली क्या करना, देखिए एप्लीकेशन आईडी आपका BSEB करके होगा, उसके बाद आपका जो भी नंबर है वो डालना है, उसके बाद S होगा, उसके बाद आपके पास जो भी नंबर है उसको डाल देना है, उसके बाद ये नीचे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। याद रहे कि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है वैसे डालना है। जैसे मेरे पास ये है, मैं डाल रहा हूँ आपके सामने, मैं लाइव कर दिख रहा हूँ। एक बात याद रहे कि अभी जिनका जिनका जो है अगर पेंडिंग या फिर ए वेटिंग बताता है, घबराने की बात नहीं है। नॉर्मली डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेगा, देखिए यहाँ पे बता जाएगा कि वैलिड बता रहा है कि, तो कुछ इस तरह का जो, जैसे देखते हैं यहाँ पे आ चुका है एप्लीकेशन आईडी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नया कैंडिडेट का नाम, उसके बाद रोल कोड, रोल नंबर, जो भी स्कूल कॉलेज होंगे वो, और आपने जितने भी सब्जेक्ट में किया होगा यहाँ पे कोड होगा, यहाँ सब्जेक्ट का नाम होगा, और साथ में यहाँ पे देखते हैं कि रिमार्क में जो है ए वेटिंग लिखा रहा है, यानी कि आपको इंतजार करना है। आप नंबर में है, प्रोसेस में है, आपका रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं किया गया है। मैं बता दूं आपको क्लियर कट में देखिए क्या होता है कि अभी जो रिजल्ट जो है एक एक करके आता है, इसी कारण आपको ए वेटिंग ही लिखाएगा। याद रहे यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह का आएगा, नो चेंज, यानी कि आएगा तो यहाँ पे अगर चेंज रहेगा तो मार्क्स चेंज आफ्टर स्कूटनी, अगर चेंज होगा तो यहाँ पे लिखाएगा, समझे कि जो भी रहेगा। अगर नो चेंज है तो मतलब समझिए कि मार्क्स नॉट चेंज आफ्टर स्कूटनी, और यहाँ पे ए वेटिंग का मतलब है स्कूटनी रिजल्ट इज पेंडिंग, तो मतलब अभी आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग आ रहा है। तो घबराए नहीं, चेक करते रहिए, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, क्योंकि वो आपको मैंने पहले से बताया, शुरू से बतला के रखा है, जो रिजल्ट जो आता है वो बारी बारी से आते रहता है, तो सबका रिजल्ट जो एकाएक शो नहीं करेगा। तो कुछ लोगों का शो कर रहा होगा क्लियर, किसी लोग का पेंडिंग बता रहा होगा, किसी लोग का जो है चेंज बता रहा होगा। तो जिनका चेंज लिखा रहा होगा रिमार्क में, उस समझ जाइए कि उनका जो है हो चुका है, जिनका एवेटिंग है मतलब उनका उम्मीद अभी भी जगा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए कहाँ से रिजल्ट चेक करना, यहाँ से रिजल्ट चेक करना आपको, ठीक है। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय, लव यू।